आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सहकारिता विभाग में बैंक मैनेजर की भूमिका काफी अहम होती है, चाहे वह किसानों को ऋण देना हो या फिर सहकारिता विभाग के अंतर्गत चलाए जा रही योजनाओं को संचालित करना हो। धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त करने समेत किसी भी कार्य में बैंक के ब्रांच मैनेजर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। केंद्रीय बैंक अहिवारा के ब्रांच मैनेजर सुरेश सोनी विगत 36 सालों से सत्यनिष्ठा, सच्ची मेहनत व लगन के साथ अपनी सेवाएं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में दे रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर सुरेश सोनी आज भी दुर्ग से अहिवारा लगभग 28 किलोमीटर मोटरसाइकिल से दूरी तय कर रेगुलर ड्यूटी पर बैंक पहुँचते हैं और बैंक में मैनेजमेंट के साथ धान खरीदी के कार्यों में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और यही खास वजह है कि अहिवारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत जितने भी किसान बैंक से सेवा ले रहे हैं, वह सुरेश सोनी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। 15 एकड़ की किसानी है जी। मेरा जैसे धान की पेमेंट अहिवारा में आता है तो यहाँ पे जो शाखा प्रबंधक है सुरेश सोनी जी, उनका मतलब जैसे किसानों के लिए बहुत हित वाली कार्य है, बहुत अच्छा काम करते हैं हम सोनी जी। हमारे लेन देन भी बहुत बढ़िया है, किसानों को कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होती। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मैनेजर सुरेश सोनी का मार्च 2023 में रिटायरमेंट है और वह अपने कार्यों पर काफी गर्व महसूस करते हैं। उनका कारण है कि उन्होंने अपने कार्यों के साथ साथ अपने सुपुत्र को इंडियन एयरफोर्स में भर्ती कराया और इसी के चलते आज उनका बेटा इंडियन एयरफोर्स अंडमान निकोबार से बड़ोदरा में अपनी सेवाएं दे रहा है। धान खरीदी केंद्र मेरे शाखा के अंतर्गत 4 समितियां हैं, अहिवारा, मोहरेंगा, माटरा, पहारा। इसमें धान खरीदी के समय में समय समय में निरीक्षण में समिति जाता था और समिति में जाकर बराबर निगरानी देख रेख करके मैं भेंट टिप भी लिख के आता था वहाँ से, और किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो आप शाखा प्रबंधक को अवगत कराइए, मैं उसको ऊपर भेज के कार्यवाही करूँगा जिससे किसी भी प्रकार की समिति में रुकावट न हो धान खरीदी में। ये मेरा प्रयास रहा है। अभी बीच में मौसम परिवर्तन होने के पश्चात जब उस दिन बारिश हुआ, हल्की बारिश हुआ, मैं उस दिन सुबह से ही समितियों का निरीक्षण किया, बराबर केप ढकाइए आप ऊपर से नीचे तक, जहाँ खुला रहा मैं सामने स्वयं होके केप को उसका ढकाई करवाया हूँ और बोला कि यदि तालपत्री की कमी है तो उसको आप खरीदिए करके समिति में। मैं कार्य करके बहुत ही अनुभव मेरे को अच्छा लगता है। अभी हमारे यहाँ चूंकि पहले बहुत पेचीदा था कार्य में, किसानों को भी बहुत परेशानी झेलना पड़ता था, अब कंप्यूटराइज होने के बाद सिस्टम से सारी जानकारी निकल जाता है तत्कालीन और जो भी मुख्यालय के निर्देशानुसार है कार्य किया जाता है और मुख्यालय में जो भी यदि समस्या है कंप्यूटर से संबंधित या और कोई किसानों से संबंधित जिसका निराकरण मैं नहीं कर पाता तो मुख्यालय स्तर से मार्गदर्शन लेकर उसका निराकरण करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे एक बेटा है, 2 लड़की हैं, मैं बेटी का शादी कर दिया हूँ, बेटे का मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में है, अभी अंडमान से ट्रांसफ़र होकर बड़ोदरा आया है और मेरी गुड़िया हाई स्कूल में टीचर है गणित का, खुरसुनी में, एक गुड़िया कवर्धन में है। परिवार मेरे पूरा संतुष्ट हूँ, परिवार से मैं अपनी जिम्मेदारी का दायित्व तो पूरा निभाया हूँ। मेरे साथ 26 जनवरी को मैं ये कहता हूँ कि 26 जनवरी को हमारे ATM कार्यालय का शुभारंभ में सभी हितग्राही क्षेत्रवासी उपस्थित हुए और सभी को बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूँ। दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की CEO अपेक्षा व्यास ने केंद्रीय बैंक मैनेजर सुरेश सोनी के कार्यों की काफी सराहना की। तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सुरेश सोनी ड्यूटी के दरमियान बैंक में सत्यनिष्ठा व मेहनत लगन के साथ काम करने वाले अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारियों के कार्यों से और अन्य अधिकारियों को सीख लेनी चाहिए। सुरेश सोनी बैंक के अन्य अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनका सेवा काल काफी प्रेरणादायक है। जी जी, हमारे जिला सहकारी केंद्र बैंक में सुरेश सोनी जी अहिवारा के शाखा प्रबंधक में पदस्थ हैं और मार्च में उनका रिटायरमेंट है।
मैं उनके आगामी समय के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और वो उन्होंने यहाँ पे अच्छा बहुत अच्छा उन्होंने कार्यकाल बिताया है, वे दाग रहे हैं, उनकी एक अच्छी छवि हमारे बैंक की तरफ है और हमारे अन्य कर्मचारी भी उनके कार्य की काफ़ी प्रशंसा एवं सराहना करते हैं। और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हमेशा यही कहूँगी कि ऐसे ही हमारे आदर्श के रूप में अन्य कर्मचारी भी रहें, कार्य करें, जिससे ये बैंक काफ़ी प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ सके।